क्या कनिका कपूर को जेल हो जाएगी? क्यों? कनिका कपूर के खिलाफ लॉज हो चुकी है FIR, दैट मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और उस FIR की वजह पता है कौन है? कोरोना वायरस। क्या सही में कनिका कपूर एयरपोर्ट चेकिंग से बचने के लिए वॉशरूम में छिप गई थी? आज के शो में हम पूरी स्टोरी का लीगल एनालिसिस करेंगे कि क्या मामला था और क्यों FIR दर्ज हुई, और उस ऑफेंस के लिए कनिका कपूर को कितने साल की जेल हो सकती है। Stay tuned because it's a social platform, it's my stand, it's Indian Guardian. कोरोना ने कनिका कपूर का रोना निकाल दिया है, बिकॉज एक तो वो पहले से ही कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और ऊपर से अभी FIR। स्टोरी की शुरुआत होती है लंदन से, जहां पर कनिका कपूर को कोरोना वायरस के सिम्टम्स दिखाई देते हैं और उन्हें हल्का हल्का फीवर होना शुरू हो जाता है। कनिका कपूर वापस इंडिया लौट आती है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि कनिका कपूर एयरपोर्ट स्क्रीनिंग से भाग निकली। लेकिन इस पर कनिका कपूर का ये कहना है कि उन्होंने एयरपोर्ट पर अपनी चेकिंग करवाई थी और उस वक्त कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं आया था। सो ये सारी चीजें कि कनिका कपूर ने एग्जैक्टली एयरपोर्ट पर अपनी चेकिंग करवाई या नहीं करवाई, यह हमें पता लगेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद, बिकॉज FIR ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। लेकिन अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हुआ वो माइंड बॉगलिंग था। कनिका कपूर ने लंदन से वापस आकर 3 पार्टीज अटेंड की, और उन पार्टीज में बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आए थे और सेलिब्रिटीज भी थे। इंटीरियर डिजाइनर मिस्टर आदिल अहमद ने एक पार्टी होस्ट की थी, जिसमें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी मिसेस वसुंधरा जी भी अपनी फैमिली के साथ शामिल थी। पार्टीज खत्म हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद एक शॉकिंग न्यूज सामने आती है, और न्यूज ये थी कि कनिका कपूर कोरोना वायरस पॉजिटिव है। देन उसी वक्त कनिका कपूर को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। इन तीनों पार्टीज को मिला के कनिका कपूर लगभग 300 से 400 लोगों के साथ टच में रही है, और ये स्टेटमेंट उन्हीं के फादर का है। लेकिन बाद में कनिका कपूर ने अपने फादर की इन सभी स्टेटमेंट्स को मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था और इतने लोग नहीं थे। सो इन सभी चीजों को देखते हुए लखनऊ के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कनिका कपूर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। कंप्लेंट में उन्होंने अलर्ज किया कि कनिका की नेग्लिजेंस की वजह से, दैट मींस लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस और फैल सकता है, क्योंकि सब जानते हुए भी कि उन्हें कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, उन्होंने पार्टीज अटेंड की। एंड उस कंप्लेंट के बिहाफ पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने कनिका कपूर के अगेंस्ट एक FIR लॉन्च कर दिया अंडर सेक्शन 269, 270 and 188 of Indian Penal Code. According to section 269 of IPC, अगर किसी इंसान की लापरवाही की वजह से कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से कोई जानलेवा बीमारी फैल जाती है, तो उस इंसान को मैक्सिमम 6 महीने की जेल हो सकती है या फाइन हो सकता है, या जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। According to section 270 of IPC, अगर कोई इंसान जान के malignantly कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से जानलेवा बीमारी फैल जाती है, या कोई इंसान जान के मेलिग्नेंटली कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से कोई जानलेवा बीमारी फैल सकती है, तो उस इंसान को इस अपराध के लिए मैक्सिमम 2 साल तक की जेल हो सकती है, या फाइन, या जेल और फाइन दोनों। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 188 ऑफ IPC, अगर कोई इंसान किसी ऑर्डर को नहीं मानता, वो ऑर्डर जो किसी पब्लिक सर्वेंट ने प्रोमुलगेट किया हो, लागू किया हो, और उस इंसान के ऑर्डर ना मानने की वजह से किसी और इंसान की लाइफ खतरे में पड़ती है, तो उस इंसान को जिसने ऑर्डर नहीं माना उसको मैक्सिमम 6 महीने तक की जेल हो सकती है, या फाइन। और इस अपराध में फाइन की एक लिमिट है 1,000 रुपए, मतलब 1,000 रुपए से ज्यादा फाइन नहीं लगेगा, या जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। लेकिन कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई है। कनिका कपूर के अगेंस्ट और भी FIR दर्ज हो सकती है, क्योंकि उन्होंने 3 और पार्टीज अटेंड की थी जिनके एरियाज हजरतगंज और गोमती नगर पुलिस स्टेशन के अंडर आते हैं। बट स्टिल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ask me in the comment section and follow us on our Instagram account for personal interaction and for solution of any legal problem of yours. That's all.